तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबान हमारे चैनल अर्फ टाइम को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। ये वो जानवर है जो कि सुन्नत इब्राहिमी की तामील के लिए हमने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है और फिर इसका गोश्त हमने गरीब लोगों में, यतीम लोगों में, मसाकिन लोगों में तकसीम कर देना है और कुछ गोश्त का यानी तीसरा हिस्सा हमने घर में रखना है और अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज व अकारब रिश्तेदारों के लिए डिशेस तैयार करके आप भी खानी हैं, उनको भी खिलानी है। तो कुछ डिशेस मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो जानवर है जिसकी हमने कुर्बानी करनी है अल्लाह की राह में। अभी हम इसको तैयार कर रहे हैं कुर्बानी के लिए कि इसकी कुर्बानी कर दें। इसके लिए हम इसकी तकबीर करेंगे और इस तरह ये जानवर अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिमी यानी हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के तौर पर कुर्बान हो जाए। तो प्यारे व्यूअर, ज़बह के लिए, तकबीर के लिए हमारा जानवर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सुन्नत इब्राहिमी यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो ये दोस्तों वो डिशेज़ हैं जो कि हमने इसके गोश्त से तैयार की हैं, बहुत लजीज, मज़ेदार और देखने में भी इंतहाई ख़ूबसूरत नज़र आ रही हैं और इसमें जो लज़त है वो बहुत ज़्यादा होती है, शायद कभी आपने खाई हो। और प्यारे दोस्तों, ये है वो लजीज तरीन डिश जो कि मेरी इंतहाई फेवरेट डिश है। इसको हम अपनी ज़ुबान में भैंस के पाए बोलते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको एनिमल फुट भी कह सकते हैं या बफलो फुट भी कह सकते हैं, कॉ फुट भी कह सकते हैं। इंतहाई लजीज होते हैं, इंतहाई टेस्टी होते हैं, शायद कभी आपने इनका जायका चखा हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर दें ताकि बर वक्त मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम।